नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुझे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहा लेकिन आप रिजेक्ट रही है, अपन ने छोड़ कर भी आए हैं तो ऐसी हर जगह जनता का स्नेह और प्यार मिलता है। यहाँ जाते हैं वहाँ लोग कहते हैं मामा, मामा यानी अपनी असली दौलत। आपको बता दें कि पुणे में आयोजित छात्र संसद के आखिरी दिन समापन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और यहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीति किसी पद के लिए नहीं, बड़े लक्ष्य के लिए है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई नेता पॉलिटिक्स को ही कैरियर मान लेते हैं, स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए जीना है, देश और प्रदेश और समाज के लिए कुछ बड़ा काम करना है। आजकल दूसरे तरह के नेता भी जो पॉलिटिक्स और कैरियर मान लेते हैं, आज कोई मेरे क्षेत्र में जाकर देख लेना, मीडिया के सामने कह रहा हूँ मैं चुनाव प्रचार नहीं करने नहीं जाता, एक दिन पहले फॉर्म भरने के लिए निकलता हूँ, गांव की जनता आती है और मुझे थैली भेंट करती है जिसमें पैसे और सूची होती है, ईमानदारी से काम करता हूँ तो जनता भी साथ देती है। पूर्व सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 में कई लोगों के यहाँ था, भाजपा नहीं जीतेगी, कांग्रेस ने घोषणा की थी लेकिन क्लीन स्वीप करेंगे। मेरी पार्टी के कुछ नेता भी मुझसे कहते थे ये मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, लेकिन जब परिणाम आया तब कांग्रेस ने नहीं बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अगली खबर, सोमवार 22 जनवरी को भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो झगड़ा अपने आप ही मिट गया था, हालांकि बीजेपी ने इसका राजनीतिकरण कर दिया है। शंकराचार्य द्वारा राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का नोटा ठुकराने पर अशोक गहलोत ने कहा कि धर्मगुरु पूरे देश को सनातन धर्म का रास्ता दिखाते हैं, ऐसे में ऐसी क्या नौबत आ गई कि कुछ शंकराचार्य इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, पूरे देश के शंकराचार्य इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, अगर शंकराचार्य ऐसा कर रहे हैं तो इसका अपना महत्व है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर सबका है, अगर बीजेपी सभी पार्टियों को साथ लेकर चलती तो ये नौबत ना आती, ये कार्यक्रम आरएसएस और बीजेपी का हो गया है, मंदिर में जाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम सब की आस्था राम मंदिर में है लेकिन ये भाजपा और संघ का कार्यक्रम है, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी जी क्यों जाएं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी घमंड का सरकार चला रही है, ये लोग देश को जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं वह बहुत ही खतरे का रास्ता है। अगली खबर, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि भारतीय आरक्षित वाहिनी ने के नए जवानों को प्रशिक्षण के लिए सड़क मार्ग से असम भेजने की योजना रद्द कर दी गई है। सिंह ने शुक्रवार देर रात फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि 10वीं और 11वीं की IRB के नए जवानों को सड़क मार्ग से असम भेजने की योजना रद्द कर दी गई है, जल्दी एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। IRB में भर्ती हुए नए जवानों के परिवारों तथा रिश्तेदार कथित तौर पर विरोध किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने चिंता जताई थी कि क्योंकि बहुल्य क्षेत्रों से होने वाली इस यात्रा से अधिकारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और उन्हें मांग की है कि प्रशिक्षण इम्फाल ईस्ट जिले में ही दिया जाए। शुक्रवार देर शाम को इन अधिकारियों को के रिश्तेदार इम्फाल ईस्ट जिले के पंगोई में मणिपुर पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के मुख्य द्वार के समीप एकत्रित हुए और उन्हें प्रशिक्षण के लिए सड़क मार्ग से असम ले जाने की योजना का विरोध किया। अगली खबर, दिल्ली शराब घोटाले में मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथी बार समन भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल को इससे पहले वे 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को 3 समन जारी कर चुकी है लेकिन वे पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने इस समन पर कहा था कि समन के बहाने पूछताछ नहीं बल्कि गिरफ्तार करना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वे ईडी को सहयोग करना चाहती है लेकिन ईडी का यह समन राजनीति से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस चौथे समन को लेकर अभी तक आम आदमी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया था कि केजरीवाल के घर आज ईडी की छापेमारी हो सकती है जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में इस साल 16 अप्रैल को ईडी ने अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ करी थी। अगली खबर, आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विजय रथ को रोकने के लिए बने इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेता आज शनिवार को एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इसमें गठबंधन को मजबूत करने, सीट बंटवारे पर रणनीति बनाने और अलायंस के संयोजक के चयन को लेकर चर्चा होगी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी, बताया जा रहा है कि वे किसी और कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में सबसे अहम चर्चा विपक्षी गठबंधन के संयोजक की नियुक्ति पर होगी। JDU नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहती है लेकिन बताया जा रहा है कि TMC इसका विरोध कर रही है। बता दें कि इससे पहले भी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने वर्चुअल मीटिंग में इन सब मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की थी लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी।
वही टीएमसी सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार शाम को बैठक के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन शनिवार को सीएम ममता बनर्जी कई कार्यक्रम से पहले से निर्धारित है। ऐसे में वह इस बैठक में शामिल नहीं हो सकती। पार्टी इंडिया ब्लॉक और बीजेपी को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली खबर, दिल्ली में शनिवार को इस सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई है, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और घने कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। लोधी रोड इलाके में पारा और भी नीचे गिरकर 3.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। इसके साथ ही उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से में भीषण शीतलहर की चपेट में रहे हैं। मौजूदा शीतलहर की स्थिति के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में शनिवार के लिए रेड अलर्ट और कल रविवार के लिए क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान के कहा है कि 16 जनवरी तक अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति कम होने की संभावना है। मौसम विभाग ने साथ ही कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर घने से बहुत घना कोहरा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में अगले अलग अलग जगहों पर घना कोहरा रहने की स्थिति बनी है। वहीं राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मध्य कोहरा और पंजाब, हरियाणा के कई जगहों पर और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर ठंडे दिन से लेकर गंभीर ठंड दिन की स्थिति बनी हुई है। जो मंदिर संस्थान है, ट्रस्ट है, उसने सोनिया गांधी को भी निमंत्रण भेजा था या भेजा है, खड़गे जी को भी भेजा है, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं। आज से नहीं, बरसों से नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री को भी क्लास ली, हमारे राजेंद्र बाबू जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको भी मना किया क्योंकि वो कहते थे कि मैं बाय डिफॉल्ट मैं हिंदू हूं, और ये परंपरा उनके डीएनए में है हिंदू विरोधी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।